अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोनिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो सैंडविच की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स में आलू मैंने 4 अदद लिए हैं, इनको अबाइल कर लिए। 1 अदद प्याज लेंगे, 2 अदद अंडे हैं मेरे पास, 3 से 4 अदद हरी मिर्च है, इसको बड़ी कटिंग कर ली है। 1 कप ब्रेड क्रम्स है, कुकिंग ऑयल लेंगे हसब जरूरत। इसके अलावा ब्रेड स्लाइस है मेरे पास। मसालों में 1/2 टीस्पून नमक लेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 4 अदद मैंने आलू लिए थे, इनको बॉईल करके मैश कर लिया है। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने 1 अदद लिया था, इसको ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्च है, इसको ब्रिक ब्रिक कटिंग कर लिए। मसालों में 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, अब इसको हम साइड पर कर देंगे। अब ब्रेड के स्लाइस लेंगे, उसके साइड के स्लाइस है वो हम कटिंग कर देंगे। ब्रेड के किनारे हमने कटिंग कर ली है, अब इसको हम साइड पर कर देंगे। प्लेट में हम ब्रेड क्रम्स डाल देंगे और एक प्लेट में 2 अंडे लेंगे। अब इसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 चुटकी नमक। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। का एक स्लाइस लेंगे हम और उस पर आलू का जो हमने मिक्सर तैयार किया था वो लगा देंगे। आलू का मिक्सर अच्छी तरह हमने इसके ऊपर लगा दिए। अब दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे और इसी तरह सारे सैंडविच अपने तैयार कर लेंगे। सैंडविच हमारे सारे तैयार हो गए हैं। सबसे पहले हम सैंडविच को अंडे के अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह। अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे अच्छी तरह। ब्रेड क्रम्स इस पर अच्छी तरह लगा दिए। इसी तरह दूसरा सैंडविच भी हमारा तैयार कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम सैंडविच ऐड करेंगे। साइड से ये गोल्डन हो गया, अब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। गैस मैंने मीडियम रखी हुई है। इसको चारों साइड से अच्छी तरह गोल्डन कर लेंगे। चारों साइड से गोल्डन कलर आ गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लेंगे। सैंडविच हमारे तैयार हो गए हैं, अब इसको दरमियान से हम कटिंग कर लेंगे। कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से सैंडविच हमारे तैयार हुए हैं। मज़ेदार से पोटैटो सैंडविच हमारे तैयार हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।